कोविड टीकाकरण को ज्यादा से ज्यादा करवाने के लिए सोमवार से दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि दस्तक अभियान को कर्तव्य तक पहुंचाने के लिए शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया है और चुनाव आयोग की भी अपेक्षा है कि हर मतदाता को टीकाकरण करा दे। उन्होंने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर टीकाकरण करवाएंगे और जागरूकता फैलाएंगे तथा अगर कोई टीके से वंचित रह गया तो उनको नजदीकी स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग टीम से संपर्क करके अपना टीकाकरण करा लें। उन्होंने बताया कि अभी तक जो भी टीकाकरण नहीं कराए हैं उनको जागरूक करें और उनका टीकाकरण कराया जाएगा तथा सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने भी बताया कि 24 जनवरी से दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्रों में आशाओं की ड्यूटी लगाई गई है जो घर घर जा करके दस्तक देने के साथ ही घरों की दीवार पर पोस्टर लगाएंगी और इसके साथ ही लोगों को कोविड के लक्षण के बारे में बताएंगी। कोविड टीकाकरण से जो बच्चे छूटे हुए हैं उनको टीकाकरण कराने के लिए तैयार करेंगी तथा जो 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग जो अभी तक टीका की एक भी खुराक नहीं लगी है उनकी लिस्ट बनाकर चिकित्सा अधीक्षक को देंगी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोगों में टीकाकरण कराने का उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस दस्तक अभियान में कुल 1494 टीमें लगी हैं और सुपरवाइजर 300 लगाया गया है तथा 5 टीमों में एक सुपरवाइजर और एक टीम में 2 सदस्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आज से लेकर 29 तारीख तक दस्तक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें हमारी प्रत्येक आशा क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है और जो घर घर जा कर के दस्तक देंगी, दस्तक देने के साथ ही उनकी घरों की दीवार पर एक पोस्टर लगाएंगी और इसके साथ ही वो 4 क्रिया कराएंगी। एक तो पहला तो कोविड के बारे में लोगों को बताएंगी कोविड के लक्षण के बारे में, दूसरा ये कि अगर कोई उनके घर में कोविड का लक्षण युक्त व्यक्ति है तो उसको कोविड की दवा दे देंगी और उसको जांच कराने के लिए संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगी। तीसरा ये होगा कि जो भी हमारे कोविड जनरली रूटीन टीकाकरण में जो बच्चे छूट गए हैं उन बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार करेंगी, जो गर्भवती माताएं छूट गई उनकी लाइन लिस्ट तैयार करेंगी और चौथा ये है 60 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग जिनको अभी कोविड की एक भी खुराक नहीं लगी है उनकी लाइन लिस्ट बना कर चिकित्सा अधीक्षक को देंगी और उनको जो है टीकाकरण कराया जाएगा। पूरे जनपद में 1900 ब्लॉक में एक साथ इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है और साथ ही साथ जो है सभी अर्बन PSCs में शुरू किया गया है। कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, मैं भी स्वयं भ्रमण पर होकर के आया हूँ और हर जगह पर लोगों में उत्साह है, लोगों इस धारणा से काम कर रहे हैं कि अगर हम जल्दी से जल्दी लोगों को सिम्टोमेटिक खोज लेंगे, उनको दवाइयाँ दे देंगे तो कोविड का प्रचार प्रसार कम होगा। सर, इस अभियान में कितनी टीमें लगाई गई हैं? इसमें कुल जो है हमारे पास 1494 टीमें लगाई गई हैं पूरे जनपद में और लगभग 300 जो है हमारे सुपरवाइज़र लगाए गए हैं। 5 टीमों पर एक सुपरवाइज़र होगा और एक टीम में 2 सदस्य होंगे। टीकाकरण को अंतिम घर तक पहुंचाने के लिए, इस अभियान को अंतिम घर तक पहुंचाने के लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं और आयोग की भी माननीय मुख्य निर्वाचन आयोग की भी अपेक्षा है कि हर मतदाता को हम लोग टीकाकरण संतृप्त करें। इसके लिए घर घर जाके हमारी टीमें अभी टीकाकरण करवाएंगी और जागरूकता फैलाएंगी और अगर कोई टीके से वांछित रह गया है तो मैं आपसे आपके माध्यम से वो आग्रह करूंगा कि वो ज़रूर हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य टीम से संपर्क करके टीका ज़रूर लगाएं। इसमें हम लोग 2 साल से नीचे के बच्चों जो नियमित टीकाकरण से भी वांछित हैं उनका भी चिन्हित करेंगे। कोई ऐसे परिवार या समुदाय हैं जिन्होंने अभी तक किसी जिज्ञासा के वजह से अभी तक टीका नहीं लगाया तो उनका जिज्ञासा दूर करने का कार्य भी करेंगे और साथ साथ हम जागरूकता भी फैलाएंगे।